ये माइक्रो मोड है आपका, ये माइक्रो मोड का आप कम बेसी यहाँ से अपना कर सकते हैं अपना। अगर आप नॉर्मली तो 900 पावर की जरूरत पड़ता है। ये लाइट जो ब्लिकिंग कर रहा है यहाँ से, इसको आप कंफर्म करेंगे। अगर बना बनाए रोटी है आपका, उसको गर्म करना चाहते हैं आप, तो आप यहाँ पर 30 से 40 सेकंड या 1 मिनट का टाइमिंग देंगे। अगर 5-6 रोटी है तो 1 मिनट का टाइमिंग देकर अपना गर्म कर लेंगे। अगर 2-3 रोटी है तो आप उसको सेकेंड में गर्म करेंगे, 30 सेकेंड का, ठीक है। इसको किया कैंसिल। और इसके बाद आता है आपका ग्रिल। ये ग्रिल है, इसमें क्या है कि अगर आपको चिकन कबाब वगैरह बनाना हो, इसके लिए ये स्टिक दिया गया है। ये स्टिक को क्या करेंगे, आप इसको यहाँ पर फंसाएंगे, यहाँ फंसा दिए और इसको यहाँ लगा दिए, ठीक है। इसको बंद करेंगे आप। अभी ग्रिल मोड में जाके यहाँ कंफर्म करेंगे पावर को, ये स्टार्ट बटन है, कंफर्म करेंगे और यहाँ से टाइमिंग दे देंगे आपका, 30-40 मिनट का टाइमिंग देंगे कबाब के लिए। आ यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, देखिए आपका धीरे आपका मोमेंट करते रहेगा। ठीक है, जब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये आपको बीच में अगर खोल के देखना है तो आप ये खोलेंगे ही तो ये पॉज हो जाएगा, तो आप चेक कर सकते हैं। और ये क्या है कि इधर भी घुसा सकते हैं, इधर भी और मिडिल में घुसा सकते हैं, सिर्फ इतना तक, ठीक है। फिर आपको फिर चेक करने के बाद फिर दोबारा आप यहाँ से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ये स्टार्ट हो गया, ठीक है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसके लिए आपको एक स्टैंड दिया गया है, ये स्टैंड से इसको आप निकालेंगे। इसको आप जब बजर बजेगा टी टी करके, तो आप इसको इस तरह से आप इसको पकड़ के इसको निकालेंगे, ठीक है। इसको आप कन्वेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। ये ग्रिल हो गया आपका, इसको यहाँ रख दिया आप, कन्वेक्शन में भी अपना आप कबाब बना सकते हैं। तो ये कन्वेक्शन में जाएंगे, ग्रिल कन्वेक्शन, कन्वेक्शन में आपको डिग्री सिलेक्ट करना है 200 डिग्री, यहाँ से कंफर्म करेंगे और फिर यहाँ से अपना टाइमिंग दे देंगे 40 मिनट का या 30 मिनट का टाइमिंग दे देंगे अपना। देने के बाद यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, इसमें भी आपको वही मूवमेंट करेगा, ठीक है। जैसे पनीर टिक्का बनाना हो तो कन्वेक्शन में बनाएंगे, आलू टिक्का बनाना है तो कन्वेक्शन में बनाएंगे, वही 200 डिग्री देंगे आप, लेकिन उसमें आपको पहले प्रीट करना होगा। पहले प्रीट कैसे करना है ये देख लीजिए, फिर से इसको मैं कन्वेक्शन में गया, 200 डिग्री में गया यहाँ पर, और यहाँ से इसको दो बार स्टार्ट करूँगा, ये प्रीट हुआ। खाली में पहले प्रीट कर लेंगे, प्रीट कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर एक बजर बजेगा आपका, टी टी बजर बजेगा कि आपका प्रीट कंप्लीट हो गया। फिर क्या करेंगे आप खोलेंगे इसको, ये रेक लगाएंगे, उसमें कबाब या जो भी अपना सामान है वो रख देंगे। फिर दोबारा आप यहाँ कन्वेक्शन में जाएंगे, आप यहाँ 200 डिग्री देंगे, कंफर्म करेंगे, सिंगल प्रेस करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो वो प्लेट में चले जाएगा, सिंगल प्रेस करेंगे और फिर यहाँ से आप इसको टाइमिंग देंगे आपका, जो भी 15 से 20 मिनट का टाइमिंग देंगे पनीर टिक्का के लिए या आलू टिक्का के लिए, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट, करने के बाद ही वीडियो बने तो बाउंस हो जाए। ये कन्वेक्शन में जाएंगे आप, 180 डिग्री में रखेंगे इसको, ये लास्ट आपका 230 डिग्री तक लास्ट आपका, और कम से कम ये 40 डिग्री तक है, तो आप 180 डिग्री में जाएंगे, 180 डिग्री में यहाँ डबल क्लिक करेंगे, ये प्रीट, ये प्रीट जब कंप्लीट हो जाएगा आपका तो एक बिपिंग जोन बजेगा कि आपका प्लेट कंप्लीट हो गया। आप फिर क्या करेंगे, आप डोर खोलेंगे, हाँ प्लेट कंप्लीट होगा, बिपिंग जोन बजेगा, टी टी बजर बजेगा, फिर ये लो रेक को यहाँ रखना है आपको, ये लो रेक रख देंगे, अल्मोनियम बॉल में अपना केक डाल करके इसके ऊपर रख देंगे, फिर इसको आप बंद करेंगे वापस, फिर कैंसिल करेंगे, फिर कॉन्वेक्शन मोड में जाएंगे आप, 180 डिग्री में जाएंगे, यहाँ से सिंगल प्रेस करेंगे और यहाँ पर इसको आप टाइमिंग देंगे 25 मिनट का टाइमिंग देंगे आप केक के लिए। पच्चीस मिनट का टाइम देंगे, यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। 25 मिनट में आपका केक तैयार हो जाएगा।
अगर बीच में आप खोल के देखना है तो आप यहाँ से खोलेंगे तो ये पॉज हो जाएगा, आप निकाल के चेक कर लेंगे। लेकिन इसके लिए हैंड ग्लोव्स बहुत ज़रूरी है, आप मार्केट से उसको खरीद लीजिएगा। इसको बंद करिएगा फिर बीच से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। कैंसिल करना हो तो ये पहला में ये पॉज होगा, सेकेंड में ये क्लिक कैंसिल, ठीक है। बिस्कुट बनाने के लिए ये तावा का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये भी आपका कन्वेक्शन में ही बनेगा। सॉरी कहाँ चलिए, ये कन्वेक्शन में ही बनेगा। यहाँ से आप 100 दे देंगे, डिग्री दे देंगे अपना, कुछ भी, और इसको स्टार्ट कर देंगे, फिर टाइमिंग देंगे आप, कुछ भी एक टाइमिंग देख के अपना बना लेंगे। ये माइक्रो ग्रिल कन्वेक्शन कॉम्बी वन, कॉम्बी वन में आपका माइक्रो प्लस ग्रिल है, कॉम्बी टू में आपका माइक्रो प्लस कन्वेक्शन है। तो यहाँ से इसको ये पावर कंफर्म करेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा आपका कन्वेक्शन का, तो कन्वेक्शन का डिग्री आप बढ़ा देंगे 200 डिग्री। तो फिर ये आपका इसको कंफर्म करेंगे, कंफर्म करने के बाद फिर आपका टाइमिंग दे देंगे इसको अपना चिकन रोस्ट करने के लिए। चिकन रोस्टिंग जो करते हैं ना, तो ये जो है ये रेक के ऊपर में आपका चिकन वगैरह रहेगा, और फिर इसको बंद करेंगे आप। बंद करके यहाँ से अपना एक टाइमिंग दे देंगे, 35 मिनट का टाइमिंग दे देंगे, और यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। तो चिकन रोस्ट आपका कंप्लीट। ये वन में आपका माइक्रो प्लस ग्रिल ये कंफर्म किए और टाइमिंग दे देंगे अपना। इसमें भी आपका चिकन रोस्ट होगा आपका, ठीक है।